आपका स्वागत करता हूँ। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बीते दिनों एक निजी स्कूल में मासूम बच्ची के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में पीड़ित परिवार रविवार को स्कूल परिसर के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गया। पीड़ित परिवार ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन द्वारा सपोर्ट करना तो दूर, उल्टा उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूल परिसर के बाहर बैठे परिजन ने एक अन्य सामाजिक संगठन ने मांग की कि उन्हें स्कूल प्रशासन द्वारा परेशान ना किया जाए। बीते दिनों दिल्ली के एक निजी स्कूल में 4 साल के मासूम के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यह मामला अभी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीड़ित परिवार ने अब स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को पीड़ित परिवार ने समाज के सारथी एक सामाजिक संगठन के बैनर तले सांकेतिक प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी दिखाई। दरअसल इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में अन्य अभिभावक भी शामिल रहे। इस प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिवार ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार ने बताया कि भले ही इस मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली हो, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ कोई सपोर्ट तो दूर, उल्टे उन पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि स्कूल प्रशासन द्वारा उल्टा उन्हें परेशान करने का काम किया जा रहा है। मासूम की माँ ने कहा कि स्कूल प्रशासन द्वारा अन्य अभिभावकों के बीच इस मामले को छिपाने का प्रयास करते हुए परिवार पर साजिश का आरोप लगा रहा है, इसलिए मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। परिवार ने कहा कि उनकी केवल एक ही मांग है कि उन्हें स्कूल प्रशासन द्वारा परेशान ना किया जाए। दरअसल बीते दिनों रोहिणी सेक्टर 2 स्थित पोल स्टार स्कूल में एक 4 साल के मासूम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। यह मामला प्रकाश में आने के बाद स्कूल में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला था। हंगामा भरता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिभावकों को शांत कराया और आरोपी को पकड़ लिया। गौरतलब है कि मिली 4 साल की मासूम के साथ बीते 9 मई को स्कूल परिसर में ही छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। बीते 10 मई को मासूम को जब उसकी माँ उसे नहाने लगी, तब जाकर मासूम ने अपनी मां को इस बारे में सब कुछ बताया, जिसके बाद अभिभावक गुरुवार यानी 11 मई को आरोपी के खिलाफ स्कूल में पहुंचे और अपना आक्रोश व्यक्त किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिभावकों को शांत कराया और आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही में जुट गई थी। पुलिस की कार्यवाही के बाद भी अब पीड़ित परिवार स्कूल परिसर के बाहर बैठकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। लिहाजा देखना होगा कि इस मामले में पीड़ित परिवार आगे क्या कदम उठाता है। स्कूल वाले मेरे बारे में गलत मैसेज पेरेंट्स के पास पहुंचा रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी के ऊपर जो ये बोला है, उसको बेटी ने बोली है, वो चीज झूठी है। हमारे स्कूल में ये वादा नहीं है और मैंने पैसे के लालच में अपनी बेटी का आड़ लेके स्कूल की रेपुटेशन खराब करने के लिए मैंने ये झूठा आरोप लगाया। स्कूल वाले ये कह रहे हैं और कह रहे हैं हमारे स्कूल में ये चीज़ हुई नहीं, तो ये चीज़ ये क्यों कह रहे हैं और पेरेंट्स को ये गलत मैसेज क्यों पहुँचा रहे हैं। आरोपी इनके स्कूल से पकड़ा गया है, इनके स्कूल की सारी टीचर थी उसके सामने मेरी बेटी ने बताया कि यही अंकल है, टीचर भी टीचर और वो भी थे, क्या बोलते हैं पुलिस वाले से भी सबके सामने मेरी बेटी ने उस आदमी को पहचान लिया। तो स्कूल वाले ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में ये वारदात नहीं हुई, ये चीज़ गलत है, वो ऐसा ना बोले। और ना ही उनका मेरे पास कोई फोन आया, ना ही वो मेरे पास कोई सपोर्ट में है कि हाँ हम आपके सपोर्ट में है, आपकी बेटी के साथ जो हुआ है उसको सजा दिलवाएंगे, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि वो मैसेज गलत पहुँचा रहे हैं। मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे स्कूल से कोई लालच नहीं है। अभी तो मैंने 1 तारीख को एडमिशन कराया था, मुझे स्कूल से क्या लालच होगा, मैंने तो फीस वगैरह सब भर रखी है और मेरे पास स्लिप भी है। और ये मैसेज क्यों गलत पहुंचा रहे हैं, ये इनको नहीं करना चाहिए ना। मतलब आपका कहना है कि जो उस दिन जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ, जो गिरफ्तारी हुई, वो इस स्कूल से नहीं हुई है, ऐसा स्कूल वालों का कहना है? हाँ, ऐसा स्कूल वालों का कहना है। हमारे पास तो पूरी वीडियो है कि उसको हमने स्कूल से पकड़ाएगा और ये झूठ क्यों कह रहे हैं, किस बिहाफ पे कह रहे हैं जब उनके पास प्रूफ भी नहीं है। हमारे पास तो है कि हमने स्कूल से पकड़ा है और मैडम ने भी खुद सुना है, जब मेरी बेटी ने मैडम के सामने बयान दिया, बोला था कि हाँ यही अंकल है, तब तो मैडम ने कुछ सुनी थी ना ये बात, तो वो झुटला क्यों है? तो जो आरोपी है, जो जिसने छेड़छाड़ किया था, वो स्कूल का ही, स्कूल में ही काम करता था? हाँ जी, वो स्कूल में ही है, वो स्कूल का टीचर है। अब आपकी क्या मांग है? बस वो जो मैसेज ये गलत पहुँचा रहे हैं, ये गलत मैसेज तो ना पहुँचाए, कम से कम मुझसे आके तो बात करें,
और पेरेंट्स को फोन कर करके वो यूँ क्यों कह रहे हैं कि ये मैं झूठी अफवाह फैला रही हूँ, मेरी 4 साल की बच्ची क्या झूठ बोल रही है, जो सब लोग उससे पूछ रहे हैं, स्कूल पुलिस वाले डॉक्टर और काउंसलिंग वाली लेडी से जो सब पूछ रही हैं, और जज के सामने जो उसने बयान दिया, जज के सामने लड़की ने पूरा बयान दिया क्या वो सब झूठ है, उसकी छोटी बच्ची क्या वो झूठ बोलेगी। हमारा मुद्दा क्या है कि एक लड़की थी 4 साल की जो इस स्कूल पुलिस वाले जो आपके पीछे देख रहे हैं आप, ये स्कूल में वो पढ़ती थी, 4 साल की लड़की थी वो, और इसी स्कूल का पुलिस स्कूल का एक जो केयर टेकर था उसने उस बच्ची के साथ कोई ऐसी घृणीय अपराध कर दिया, उनने जो उसके प्राइवेट पार्ट होते हैं उनको छेड़ा, और इसके खिलाफ ये लोग जो है जो उनकी मदर थी लड़की की जैनब की वो थाने में गई, थाने ने कोई सुनवाई नहीं करी, इसके साथ में फिर वो एनजीओ से उन्होंने गुहार लगाई और एनजीओ वालों ने इनका साथ दिया लड़की का, और उसके जाके पुलिस प्रशासन को जागा, और उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ जो केयर टेकर था जिसने ये संगीन अपराध किया था उसके खिलाफ FIR काटी गई, और पॉस्को एक्ट 2012 सेक्शन 354B एंड पॉस्को एक्ट जो होता है उसमें जो है 10 के धारा के आधारित उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।